press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimmaru. तबरेज मियां, दुश्मन के अंदर जब फौलादी जज्बा पैदा हो जाए तो उसे मारना तो बहुत आसान है लेकिन तोड़ना बहुत मुश्किल है. लेकिन हम इसे तोड़ेंगे और जब ये टूटेगा तो बोलेगा, बताएगा कि सरहद पार हिंदुस्तानी फौजों की ताकत क्या है और उनके मंसूबे क्या हैं. नहीं, इसने मेरे भाई फजल बेग को मारा है. आज नहीं तो कल इसे हर हाल में मरना है ब्रिगेडियर साहब. हिंदुस्तानी फौज की ताकत का हिसाब आप रखें ब्रिगेडियर साहब, हम नहीं. क्योंकि हम फौजी नहीं, जिहादी हैं. और जिहाद किसी मुल्क की सरहद से लिपट कर नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसके अंदर घुस कर लड़ा जाता है. और हमारा मकसद है अपने कश्मीर से इनका तिरंगा उखाड़ कर फेंक देना, इंशाल्लाह. किस तिरंगे को उखाड़ फेंकने की बात कर रहा है तू? किस तिरंगे को? अरे जिस कश्मीर में केसर के खेत, सफेद बर्फ के पहाड़ और हरे चिनार के दरख्त हैं. अरे जिसे खुद कुदरत ने तिरंगे से नवाजा है, तू उस तिरंगे को क्या उखाड़ कर फेंकेगा? ब्रिगेडियर साहब, 15 जुलाई तक ये आपका है और उसके बाद. मेजर राम, आपकी तरह हम भी एक फौजी हैं और एक फौजी के जज्बे को अच्छी तरह समझते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपने मुल्क वापस लौट जाएं. इस मेहरबानी की वजह? हमदर्दी. हम फौजी अपना घर और घर वालों को छोड़कर जंगलों, पहाड़ों, बर्फों और रेगिस्तानों में अपनी जान हथेली पर रखकर सारी जिंदगी गुजार देते हैं. उसके एवज में हमें मिलता क्या है? 10-20-25 हजार रुपए और सर पे मंडराती हुई मौत. आज से आप हमारे कैदी नहीं, दोस्त हैं. और अब हम 10-20-25 हजार रुपयों की बात नहीं करेंगे, लाखों डॉलर्स की बात करेंगे. आप बताइए कि आपको कितने डॉलर्स इस मुल्क में चाहिए और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा, जो करना होगा हम करेंगे. आप सिर्फ पाकिस्तानी एजेंट बनकर हिंदुस्तानी फौज में काम करते रहें और अपनी फौज की खुफिया जानकारी हमें देते रहें. इससे क्या होगा सर? इससे हम तुम्हारे कश्मीर को अपने पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे. बस सर, मेरी भी आपसे एक गुजारिश है. कहिए. आप अपनी सारी पाकिस्तानी फौज की और सारे पाकिस्तानी आवाम की एक लिस्ट बनाइएगा और उन सबसे पूछिए कि अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने के लिए कितने डॉलर चाहिए उन्हें. क्या बकते हो मेजर? वो समझ होइए सर. आपने अपनी बात कही, मैंने शांति से सुनी. अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप शांति से सुनिए. हां, और जब आपकी लिस्ट बन जाए तो मुझे दीजिएगा, मैं उसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साहब के पास भेजूंगा. और आपसे वादा करता हूं सर कि जितने डॉलर्स आप मांगेंगे उससे दुगने आपको मिल जाएंगे. लेकिन आपको पाकिस्तान का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखना पड़ेगा. किस सोच में पड़ गए सर? बोलिए, है हिम्मत? लगाते हैं दांव? सोचकर बताइएगा. जय राम जी की. वाह,
वाह मेजर, वाह। जनाब आपने मुझे याद किया। हाँ, ये जनरल साहब का लेटर आया है, मेजर राम की हमारे यहां मौजूदगी की मालूमात करना चाहते हैं, और ये इंडियन गवर्नमेंट की उस अर्जी की कॉपी है जिसमें उन्होंने मेजर राम की रिहाई की मांग की है। यहां पर किसी की अर्जी नहीं, हमारी मर्जी चलती है। मेरे भाई फजल बेग की लाश के साथ साथ 50 जिहादियों की लाशें गिराई हैं उस मेजर राम ने। उसे तो हर हाल में मरना है जनाब, हर हाल में। आदाब। आदाब हुजूर। आदाब। रमजान मियां, हमें आने में बहुत देर हो गई आज। अरे हाँ, रुखसार बिटिया ने खाना खा लिया? नहीं हुजूर, सूप पी के सो गई और कहने लगी अब तो अब्बू के साथ सुबह ही ब्रेकफास्ट करूंगी। ब्रेकफास्ट? रमजान मियां। जी हुजूर। जरा इधर तो आइए। आ गया हुजूर। सुनिए। सुनाइए। जरा कान तो इधर लाइए। हक साहब का फोन है। ओ, आदाब। जी हुजूर। जी ओके सर, मैं अभी हाजिर होता हूं। बेटा मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, बाय। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आज के बदलते हुए सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या हमारे मुल्क के इर्द गिर्द या दूर दराज के मुल्कों में मुसलमानों की मौजूदगी को बर्दाश्त किया जा रहा है। हमारा मकसद न सिर्फ आज की वर्ल्ड पॉलिसीज की मुखालफत करना है, बल्कि ये भी जताना है कि दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमानों के हालात में बेहतरी आए, इसके लिए हमें चाहे कोई भी रास्ता अख्तियार करना पड़े। ब्रिगेडियर सरफराज खान साहब, हमें मालूम हुआ है कि ऐसे सरकारी खत के बारे में जो वजह बन सकता है उस हिंदुस्तानी मेजर की रिहाई का, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि उसने हमारे बहुत जांबाजों का खून किया है, उसे मरना होगा, यही अल्लाह की मर्जी है। लेकिन जनाब, आर्मी के भी कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं जिन पे हमें अमल करना पड़ता है। कायदे फौज के लिए हैं और जंगे जिहाद हमारे लिए। वैसे फौजी कायदों से हम बेखबर भी नहीं हैं। आपके कायदे और हमारा मकसद भले एक ही हैं, मगर हमारे तरीके अलग अलग हैं। तारीख गवाह है कि जंग में हमेशा आपने अपने तरीकों पर चलकर दुश्मन से शिकस्त पाई है। जंग में फतेह सिर्फ बारूद और फौजी लश्कर से ही नहीं मिलती, फतेह मिलती है जिहाद से। जिहाद क्या है? मजहब की बंदूक में नफरत का बारूद, और इस बारूद को हमने हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर बिछा दिया है, और इस काम को वहां बैठे हमारे ही वफादार लोग बड़ी कामयाबी के साथ अंजाम दे रहे हैं। ऐसा सोचना गलत है जनाब, बेखबर है शायद आप इस हकीकत से कि हिंदुस्तान का मुसलमान वतन परस्त है, वो अपनी जान दे सकता है लेकिन अपने वतन के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। माना कि हिंदुस्तान का मुसलमान वतन परस्त है, मगर उनमें से कुछ हाथ ऐसे भी है जो खाली है, और हमने उन खाली हाथों का फायदा उठाकर उन हाथों में पैसा और हथियार पकड़ा दिए। उनके दिलो दिमाग में मजहब का जनून भरकर हम जिहाद की जड़ें मजबूत करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैदान जंग में दुश्मन के सामने सीना तान कर उसे धूल चटाने का हौसला हम भी रखते हैं जनाब, मगर हुजूर
जिहाद की आड़ में मजहब को बदनाम करके हजारों बेगुनाहों का खून बहाना मकसद नहीं है हमारा। मकसद जिहाद, मजहब, दहशत, इन लफ्जों का इस्तेमाल हम करेंगे, आप नहीं। आप सिर्फ वो करेंगे जो हम चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप इस पर दस्तखत करें। मगर इसमें तो लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान का मेजर राम हमारे कैंप में मौजूद नहीं है। ये गलत है जनाब, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए जनाब कि मेजर राम हमारे कैंप में मौजूद है और मैं अपने सीनियर्स को गलत रिपोर्ट नहीं दे सकता। दस्तखत तो आप करेंगे ब्रिगेडियर साहब। फर्ज और सच्चाई की खातिर अगर मेरा सर भी कट जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा। इजाजत चाहता हूं, अल्लाह हाफिज। रुक जाओ ब्रिगेडियर, अपने सीनियर से तो मिलते जाओ। तशरीफ लाइए जनरल चांद खान साहब। हमें पता चला है वो इंडियन मेजर राम आपके कैंप में है। अभी आपको मुझे कोई रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। सरकार को क्या जवाब देना है हम जानते हैं। आप जा सकते हैं। यू मे गो। यस सर। अल्लाह हाफिज जनरल साहब। अल्लाह हाफिज। तबरेज, तुम अपना इंतकाम पूरा करो, आजाद कर दो उसे जिंदगी से। आदाब जनाब। जनाब पता नहीं क्यों मुझे इस लड़के पे बहुत शक है। आपको किस पर शक है तबरेज मियां? वही सलमान जनाब, जिसे कल सरेआम आपने बेइज्जत किया था। ये अच्छी बात नहीं है तबरेज मियां। पता नहीं क्यों जनाब, जो वो दिखता है वो है नहीं। हमारा ख्याल है वो निहायत ही शरीफ लड़का है। शायद आप उसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी बेटी रुखसार के। खामोश तबरेज मियां, हमारी बेटी की जिम्मेदारी हमारी है, हम उसके बाप हैं। आप अपनी हद के दायरे में रहकर अदब से बात कीजिए। मैं आपको अपना समझकर आगाह कर रहा हूं जनाब, आप एक अनजान लड़के को शह दे रहे हैं, उसकी तरफदारी कर रहे हैं। माफ कीजिए ब्रिगेडियर साहब, एक दिन बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं और उन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं आपको। सलमान से मिलने गई थी? जी अबू। आज के बाद तुम सलमान से नहीं मिलोगी। मगर अबू, हम जानते हैं कि तुम सलमान को चाहती हो, मगर हकीकत यह है कि तुम सिर्फ सलमान का सोचती हो और हम जमाने का। जमाने का हमारी जिंदगी पे कोई हक नहीं अबू, और आप तो जानते हैं सलमान ने अपनी जान पे खेलकर हमें मौत के मुंह से बचाया था। ओ, तो उसके एहसान को प्यार समझ बैठी हो तुम। प्यार किसी एहसान का मोहताज नहीं होता। हमें सलमान से दिली मोहब्बत है। हमें यकीन है कि तुम्हारी मोहब्बत उसके एहसान के जड़ों से फूट कर निकली है, लेकिन उसे मोहब्बत नहीं कहते, मुरब्बत कहते हैं। कहां सलमान कहां तुम। उसके एहसानों का बदला तो और कई तरीकों से चुकाया जा सकता है। उसने तो हमसे कभी अपने एहसान का जिक्र तक नहीं किया। यही तो उसकी चाल है, तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसा रहा है। बड़े घर की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। नहीं अबू नहीं, हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि वो एक नेक इंसान है। वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारी उम्र कच्ची है, तुम्हारी सोच कच्ची है। हम ये रिश्ता कबूल नहीं कर सकते। नहीं अबू, हमारी सोच पर रोक मत लगाइए। कसम अल्लाह की, हम सलमान के बिना नहीं जी सकते। हम अपनी जान दे देंगे। रुखसार, हम तुम्हारे इस सलूक से बहुत शर्मिंदा हैं।
तुमने हमारी तौहीन की है। तो क्या तुमने फैसला कर लिया है कि सलमान के बगैर तुम जी नहीं सकती? अब तुम्हारी जिंदगी में हमारी कोई जगह ही नहीं रही। प्लीज अब्बू, ऐसा मत कहिए। ऐसा ना कहिए तो क्या कहिए? अब तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, हमें या सलमान को। तुम्हारी खामोशी बताती है कि तुम सलमान को ही चुनोगी। बोलो, चुनोगी ना सलमान को? That's like my darling daughter. हमें तुम पर नाज है रुखसार, हमें सलमान कबूल है। खोर, गद्दार, अबू। क्या बात है बेटा? हम जानते हैं अबू, मगर फिर भी जानना चाहते हैं आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। रुखसार बेटे, तुम नन्ही सी थी, तुम्हारी मां ने मरने से पहले तुम्हें हमारे हाथों में सौंपा और कहा हमारी रुखसार को हमेशा मां की नजर से देखना। तब से आज तक हमने तुम्हें बाप बनकर पाला तो जरूर है, लेकिन देखा हमेशा मां की नजर से। तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी को भी हमने अपनी बड़ी से बड़ी खुशी समझा है। अबू, क्या आप हमें अपने फर्ज और वतन से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं? वतन हमारी शान है, फर्ज हमारी आन है, और रुखसार बेटे तू हमारी जान है। ये क्या अबू, वतन, फर्ज और फिर हम, इसका मतलब हमारा नंबर तो तीसरा हो गया ना? वतन और फर्ज से ज्यादा हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अच्छा, अगर कभी आपको वतन, फर्ज और हम में से किसी एक को चुनना पड़ जाए तो? अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए। फिर भी अब्बू, अगर कभी जाने अनजाने में हम आपके फर्ज और वतन के बीच आ जाए तब आप क्या करेंगे? तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। That's like my father. I'm proud of you, Abu. आदाब जनाब। आदाब। कहिए तबरेज साहब, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कल 14 जुलाई है जनाब, और परसों 15। उस हिंदुस्तानी मेजर राम की जिंदगी का आखिरी दिन।
जब मैं उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग करूंगा ना जनाब, तब मेरे मरहूम भाई फजल बे की रूह को सुकून मिलेगा। लेकिन तबरेज मियां, इंसानियत का तकाजा है कि फैसला तो हो चुका है ब्रिगेडियर साहब, और ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला आला हजूर फरहादुल हक साहब का है जनाब। राम की मौत से पहले कल रात हम उसकी मौत का जश्न मनाएंगे, बस उसमें शरीक होने के लिए आपको दावत देने आया हूं जनाब। जी नहीं, मैं ऐसे जश्न में शरीक नहीं हो सकता। आप तशरीफ ले जाएं। आओ बेटे। अब्बू, ये किसकी बात कर रहे थे? बेटे, है एक जांबाज हिंदुस्तानी सिपाही जो हमारी कैद में है। लेकिन अब्बू, प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ तो ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर ये उसे मारने की बात क्यों कर रहे थे? वो प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं है बेटी, उसे तबरेज बेग ने सरहद पार से किडनैप करवाया था। भले ही वो हमारे दुश्मन मुल्क का मेजर है, लेकिन वतन परस्त है, बहादुर है, अपने मुल्क का वफादार सिपाही है। हमने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें मजबूर कर दिया। बेटे, कभी कभी हमारा दिल करता है कि ऐसे वतन परस्त को हम सलाम करें। अबू, जिसे आपका दिल सलाम करना चाहे, क्या हम उन्हें सलाम कर सकते हैं? ओके। तबरेज बेग, कहाँ है मेजर राम? हमने उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिया? जी। लेकिन हमने तो इसकी इजाजत नहीं दी। उसके लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है ब्रिगेडियर साहब। चलो बैठ। फरहादुल हक, अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा। माना कि ये दोनों मौत की सजा के हकदार हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस साजिश के पीछे इन दोनों का हाथ था? नहीं, जिस शातिर दिमाग ने यह चाल चली है वो दिमाग इस लौंडे या लौंडिया का नहीं, दरअसल इस पूरी साजिश का सरपरस्त ये शख्स है जनाब, ये शख्स। तबरेज बेग, अपनी जुबान को लगाम दे। जितने साल तेरी उम्र नहीं है, उससे ज्यादा साल हमने वतन परस्ती में गुजार दिए हैं। अगर फिर से तुमने हमारी वतन परस्ती पर इल्जाम लगाने की जरूरत की तो यही तेरी लाश गिरा दूंगा। ब्रिगेडियर खान, आपको अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाएगा, अभी उन्हें बोलने दीजिए। याद होगा आपको जनाब, उस हिंदुस्तानी मेजर की मौजूदगी के मुतल्लिक खत पर इन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। वो हिंदुस्तानी मेजर जिसकी कैद हमारे मकसद के लिए हमारी फतेह थी, उस मेजर राम को चोरी छिपे रिहा करवाकर ब्रिगेडियर खान ने हमारी फतेह को शिकस्त में तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उनकी बेटी के आशिक का बड़ा भाई है और उनका दिल पसीज गया। आखिर दिल तो एक बाप का ही है ना जनाब, मगर दिमाग शैतान का पाया है। तबरेज बेग, कितनी चालाकी से इन्होंने अपनी बेटी समेत उन दोनों भाइयों को हिंदुस्तानी सरहद तक का रास्ता दिखाया जनाब। वो तो ठीक वक्त पर हमें साजिश का पता चल गया और ये दोनों पकड़े गए, मगर अफसोस मेजर राम हमारे हाथ से निकल गया इनकी वजह से। अगर ये सच है ब्रिगेडियर, तो ये कहर आपकी जिंदगी के तमाम मंसूबों पर पड़ेगा। कैसा कहर, कैसे मंसूबे जनाब? इसने कहा और आपने मान लिया? हमारे सीने में एक बाप का दिल जरूर है, लेकिन हमारी रगों में वतन परस्ती का खून दौड़ता है। हम जानते हैं हमारी बेटी ने एक शर्मनाक गुनाह किया है, आपने तो उसे सिर्फ मौत की सजा दी है, अगर इससे भी बढ़कर कोई सजा होती तो हम उसे देते। आई एम प्राउड ऑफ यू अबू,
जब बेटी नहीं थी हमारा वतन था, जब बेटी नहीं रहेगी तब भी हमारा वतन रहेगा। कोई भी रिश्ता, कोई भी जज्बा हमें हमारी वतन परस्ती और फर्ज से गुमराह नहीं कर सकता। ये तुम अच्छी तरह से जानते हो ब्रिगेडियर, कोई भी जज्बा हमें भी अपने फर्ज और रसूलों के रास्ते से नहीं भटका सकता। तुम्हें याद होगा अकील खान हमारा छोटा भाई, हमारा खून, बहुत अजीज था हमें वो। जुल्म इस मासूम लड़की के साथ हुआ है हुजूर, इसकी इज्जत लूटी गई है और इज्जत लूटने वाला गुनहगार आपका छोटा भाई अकील है। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये सच है तो कसम अल्लाह की हमारा इंसाफ आप हमेशा याद रखेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। तुम्हारी पेशानी पर चमकती हुई पसीने की बूंदें हमें बता रही हैं कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन। मुझसे गलती हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मैं आपका छोटा भाई हूँ भाईजान। आप तो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, खुदा के लिए मुझे माफ कर दीजिए भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए। मत मांगो जिंदगी की भीख, मत मांगो, क्योंकि तुम्हें ये भीख नहीं मिल सकती। गुनाह करने वाला सिर्फ गुनहगार होता है, वो न भाई होता है, न बहन, न बेटी, न बेटी। हमने इसी जगह तुम्हारे सामने अपने हाथों से उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी, क्योंकि उसने भी एक शर्मनाक गुनाह किया था। हो सकता है तबरेज बेग की दलील आपको झूठी लगती होगी, हमें भी झूठी लगती है, मगर एक शक, एक खतरनाक सच की सूरत में हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। और जो शक इसने हमारे दिल और दिमाग में डाल दिया है, वो शक हटता क्यों नहीं है, मिटता क्यों नहीं है? आपके सर पर लगे इल्जाम को मिटाने के लिए आपको किसी इम्तिहान से गुजरना होगा ब्रिगेडियर, किसी इम्तिहान से गुजरना होगा। हमें हर इम्तिहान मंजूर है जनाब, लेकिन कोई भी इल्जाम नहीं। तो फिर हमें भी मंजूर है ब्रिगेडियर साहब, फैसला आपने खुद ही कर लिया। कल फजर की नमाज के बाद ब्रिगेडियर सरफराज खान अपनी वतन परस्ती का सबूत देंगे, अपनी बेटी और उसके आशिक को अपने हाथों से गोली मारकर उन्हें मौत की नींद सुला देंगे। यही हमारा फैसला है और इसी फैसले की तामील होगी। सर, जब पाकिस्तान का जन्म भी नहीं हुआ था तब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने फर्ज और हिंदुस्तान की शान के लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था। जालिमों ने उन्हें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। आप भी हमारी मौत पर फख्र से फर्ज का सहरा बांध दीजिए सर। अबू, इन जालिमों के हाथों मरने से तो बेहतर है आप हमें इज्जत की मौत दें। आदाब। आदाब अबू। अब तो हम तुम्हें लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकते, तुमने हमारे सारे ख्वाब जला डाले रुखसार। अब हमारे आंगन में ना कोई शहनाई बजेगी और ना ही कोई दुल्हन सजेगी। बेटा, तुम्हारी अम्मी जान से हमने वादा किया था कि हम हमेशा तुम्हें मां की नजर से देखेंगे, लेकिन आज तुम्हें मां की नजर से देखकर हमारा कलेजा फटा जा रहा है।
अल्लाह की यही मर्जी है अब्बू। अब्बू, जब पहली बार हमने राम भाईजान को सलाम किया तो उन्होंने अपना हाथ हमारे सर पर रखकर हमें दुआ दी, तो ऐसा लगा जैसे वो हाथ उनका नहीं आपका था। मुसलमान होकर भी सलमान अपने हिंदू भाई को बचाने पाकिस्तान चला आया। अब्बू, ये लोग हिंदू और मुसलमान में नफरत का एहसास क्यों पैदा करते हैं? क्या ये सलमान की तरह नहीं सोच सकते? अगर हिंदू मुसीबत में हो तो मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर दे, अगर मुसलमान मुसीबत में हो तो हिंदू अपनी जान कुर्बान कर दे। कल हम इस दुनिया में नहीं होंगे अब्बू, लेकिन हम खुश नसीब हैं कि ये ज़िंदगी हमें आपने दी है। ये ज़िंदगी जो आपकी अमानत है, कल हम आपको लौटा देंगे। हमारी आपसे आखिरी इल्तिजा है अब्बू, राम भाईजान को हमारा ये पैगाम ज़रूर दीजिएगा। उनसे कहिएगा हर सरहद नफ़रत की बुनियाद पर रखी गई है, सरहदों ने सिर्फ खून मांगा है, सरहदों पर आज तक किसी ने भी मोहब्बत के फूल नहीं खिलाए। अबू, आप और वो मिलकर उन सरहदों पर मोहब्बत के गुलशन बसा दें। रुखसार, अबू। हाँ? हमने आपको हमारा खून माफ किया। इतनी रात कहीं तक जाग रहे हैं रमजान मियां? आज तो रात भी जाग रही है हुजूर। हमारी बच्ची सलाखों के पीछे है, कैसे सो जाएं हम? बेशक उसकी रगों में आपका खून बह रहा है, लेकिन मैंने भी इन कंधों पर उसे खिलाया है। मुझे याद है हुजूर, जब वो तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर चली जाती थी कितने दिन तक आप खाना पीना भूल जाते थे, और कल जब ये इस दुनिया से चली जाएगी तो कैसे जिएंगे आप और कैसे जिएंगे हम हुजूर? आप तो बहुत बड़े अफसर हैं हुजूर, बहुत बड़े अफसर। बचा लीजिए उसे, बचा लीजिए हुजूर, उसे बचा लीजिए। रमजान मियां, वो उन लोगों की गुनहगार है जो कभी किसी को मुआफ नहीं करते और मौत से कम सजा नहीं देते। जाने अनजाने अगर कभी हम आपके फर्ज और वतन के बीच आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। That's like my father. I'm proud of you, अब्बू। लड़की, जिंदगी दे सिवाय तेरी कोई और तमन्ना है ते बोल। मरने से पहले मैं निकाह करना चाहती हूं। ओए मुंडिया, तेरी भी कोई जिंदगी दे सिवाय तमन्ना है ते तुम ही बोल। मुझे गोली मारने से पहले और मेरी आखिरी सांस निकलने तक मेरे देश,
हिंदुस्तान का नेशनल एंथम बजना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, जनाब इस वक्त कैसे याद किया? तबरेज मियां, हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं आज। शायद अपनी बेटी या फिर उसके आशिक। ना ना तबरेज मियां, आशिक नहीं, शौहर कहिए। निकाह किया था ना हमारी बेटी ने उसके साथ, यही खड़ी थी ना, यही दुल्हन बनकर। लगता है कि अब भी खड़ी है, शायद अभी अब्बू कहकर पुकारेगी। अगर अफसोस, हम तो उसकी डोली भी नहीं उठा सके तबरेज मियां। डोली नहीं उठी तो क्या हुआ, पर उन दोनों का जनाजा तो आपने बड़े धूमधाम से उठाया ना जनाब। बहुत कड़वा सच बोलते हैं आप, जहरीला। हाँ जनाब, जनाजा तो उठाया हमने, एक मजबूर बाप और करी क्या सकता है। अल्लाह के हुजूर में तड़प रहे हैं वो दोनों, उनकी रूहों को सुकून नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो हम तड़प रहे हैं। उनकी रूहों को सुकून तभी मिल सकता है जब शैतान को इस दुनिया से रिहाई दिला दी जाए। शैतान, शैतान! उन दो बच्चों की याद में ये दो फूल लेकर आया हूं, उनका पैगाम लाया हूं। मोहब्बत, नफरत थी उन्हें सरहदों से, जिनकी बुनियाद सिर्फ खून और नफरत पर रखी गई है। उनकी तमन्ना थी कि सरहदों पर फूल खिला दिए जाएं, नफरतों को मिटाकर गुलशन बसा दिए जाएं, ताकि लोगों के दिल मोहब्बत से भर जाए। क्या इस नोमेंस लैंड का दायरा बढ़ाकर हम इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं सर, जिसमें सारी दुनिया समा जाए, जिससे दुनिया की सारी सरहदें, सारी नफरत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आमीन। तो आइए हम मिलकर उनके ख्वाबों के गुलशन की बुनियाद रखें।